Hello everyone and welcome once again to AD Education. मैं हूं अमित दीक्षित और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा. इंडक्टिव मेथड को मैं आपको बताऊंगा और इंडक्टिव मेथड एक खास मेथड होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इंडक्टिव और डिडक्टिव साथ में यूज़ की जाती हैं जिन्हें आगमन और निगमन विधि कहते हैं. तो इस लेक्चर को कम्प्लीट देखिएगा, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंडक्टिव मैथड आगमन विधि समझ में आ जाएगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में. उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर लेक्चर सारे चेक कर लीजिएगा. टेट या टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं. ओके, और अनअकैडमी पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं. यहाँ पर फ्री क्लासेस और लाइव लेक्चर्स और फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो दोनों ही तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं. फ्री है तो चेकआउट कीजिए, बेनिफिट रहेगा. और जो लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो वो ये कोड का बेनिफिट ज़रूर ले लीजिएगा. अमित अंडरस्कोर दीक्षित इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट सीधा मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कोड. ओके, सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन. नाउ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं. तो टॉपिक मैं जो ले रहा हूँ आज, वैसे तो आगमन विधि सभी जगह इम्पॉर्टेंट है पैडागोजी में, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको गणित के कंसर्न में समझा रहा हूँ. आप इसको कहीं भी अप्लाई कीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं. एक बार समझ लेंगे तो आपको हर जगह काम देगा. तो मैथ्स के कंसर्न में इसको समझते हैं, उसी का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगी. तो गणित शिक्षण की अगर मैं विधियों की बात करूं या कहीं भी हम टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि कभी भी एक ही तरह की टीचिंग मेथड से आप सभी स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते या सभी तरह की चीज़ें नहीं कर सकते. तो वैरायटी इसलिए टीचिंग मेथड्स में रखनी पड़ती है क्योंकि अलग अलग टीचिंग मेथड्स के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, राइट? और सही टाइम पर सही मेथड्स को यूज़ करना स्मार्ट टीचिंग की निशानी होती है और स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है. तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल बात है, बट इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए. काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अलग अलग मेथड्स का क्या ज़रूरत है, एक अच्छी बेस्ट मेथड हम ले लें. पर बेस्ट कुछ नहीं होता है, यहाँ पर समय, स्थिति और स्टूडेंट की कंडीशंस के अनुसार और जो भी आपको मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसके अनुसार जो मेथड सूटेबल है वो हमें उस समय अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है? अब आगमन विधि पर बात करते हैं. आगमन विधि, जैसा मैंने कहा, इंडक्टिव मेथड से बोलते हैं. ये जो विधि है वो अनुप्रेरण पर आधारित है, यानी कि ये एक तरह से चीज़ों को खुद देखना और बच्चे उनको समझ कर उससे एक तरह से इंस्पायर होकर उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसी कॉन्सेप्ट को समझकर अपने आगे के कार्यक्रम को, अपनी समस्या को हल करते हैं या आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए इसको अनुप्रेरण पर आधारित कहा गया है. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों के सामने जो भी कॉन्सेप्ट हमें उन्हें करवाना है या जो समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं उसके कुछ उदाहरण और कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं. जनरली उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे क्लासरूम में भी आपने देखा होगा हम बच्चों को कुछ उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों को देखने के बाद उनको समझ में आता है कि हाँ ये तरीका है, इस पैटर्न से हमें काम करना है इस तरह की समस्याओं में, और फिर खुद वो चीज़ों को करते हैं और खुद से नियम निकालते हैं या खुद से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. तो ये आगमन विधि के बारे में ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इसकी शुरुआत होती है उदाहरण से. उदाहरण देकर हम बच्चों के सामने कुछ चीज़ों को, कुछ तथ्यों को, कुछ सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं को समझते हुए बच्चे जो सामान्य नियम हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको खुद से निकालने की कोशिश करते हैं. तो एक तरह से बच्चों का सपोर्ट भी हो रहा है लेकिन बच्चों को खुद से करने का मौका मिल रहा है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पार्टिसिपेटिंग मेथड है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. और मनोवैज्ञानिक लैंडन ने यहाँ पर एक बात कही थी, मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर देखें ज़रा, उन्होंने कहा था यहाँ पर कि इस विधि में विशेष तथ्यों, उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों का निष्कासन छात्रों से करवाया जाता है. तो आप देख रहे हैं टीचर यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर उन्हें उदाहरण दिए जा रहे हैं और फिर छात्र खुद उन नियमों को ड्राइव कर रहे हैं. तो इससे उनको खुद से करने की जो एबिलिटी है वो उनमें डेवलप होती है और ये बेस्ट होता है लर्निंग के लिए. तो इसमें हमेशा विशेष से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ विशेष उदाहरण लेकर चल रहे हैं और सामान्य नियम जो पहले से बने हुए हैं, प्रूव्ड हैं या सिद्धांत हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रूव कर रहे हैं. तो समझ रहे हैं, विशेष से सामान्य की तरफ ये सिस्टम चलता है.
तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आगमन विधि का मतलब यह है, ये उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, उदाहरण पहले फिर नियमों को खुद बच्चे निकालते हैं, और इससे बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि करके सीखने का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है और वन ऑफ द बेस्ट मेथड आगमन विधि कही गई है। ओके, तो इसके कई फायदे हैं, इससे मैंने आपको वाकिफ कराया और ये था कॉन्सेप्ट आगमन विधि का। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट के जरिए। कहीं भी कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो कर सकते हैं, और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हैं आपको ये क्लासेस और लेक्चर्स। लाइक शेयर करके इस वीडियो को एंड कनेक्ट होइए इस चैनल पर, बेस्ट कंटेंट आप देख सकते हैं, और अनअकैडमी पर भी मुझे आप देख सकते हैं लेक्चर्स के माध्यम से। सो दोनों ही जगह पर जुड़िए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।